क्वेश्चन दे है द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 90 किलोमीटर पर आवर। जो मैक्सिमम स्पीड है ट्रेन की वो कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर। आपको मैक्सिमम स्पीड दी है ट्रेन की 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और इट टेक्स 10 आवर्स टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर। कहा है कि ये 10 घंटे लेगी कवर करने के लिए किस डिस्टेंस को, 500 किलोमीटर। यानी कि टाइम भी दिया है 10 आवर्स और 500 किलोमीटर डिस्टेंस भी दिया है। फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स एवरेज स्पीड टू द मैक्सिमम स्पीड। तो पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर आपसे पूछा है फाइंड द रेशियो। रेशियो आपको निकालना है किसमें, एवरेज स्पीड में और मैक्सिमम स्पीड में। तो सबसे पहले तो यहाँ पे गिवन ले लेते हैं क्या क्या हमको दिया हुआ है। हमें गिवन में है एक तो मैक्सिमम स्पीड दी है, मैक्सिमम स्पीड दी है कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर। दूसरा हमको दिया है टाइम जो कि 10 आवर्स है, आवर्स में दिया है। और डिस्टेंस दिए है जो कि 500 किलोमीटर्स है, राइट। यानी कि हमें जो एवरेज स्पीड निकालनी है वो भी किलोमीटर पर आवर में निकाल लेंगे। मैक्सिमम स्पीड भी हमें किलोमीटर पर आवर में दी गई है, रेशियो हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ले लेंगे। स्पीड क्या होता है आपका, स्पीड इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। टोटल टाइम टेकन, ठीक है। अब आप यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो। डिस्टेंस कितनी है आपकी 500 किलोमीटर, टाइम है आपका 10, 10 फाइव से 50, 0, यानी कि जो एवरेज स्पीड आई आपकी दैट कम्स 50 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया आपका। देखो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आपसे पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड टू मैक्सिमम स्पीड। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर एवरेज स्पीड अपॉन मैक्सिमम स्पीड, तो उससे हमारा रेशियो आ जाएगा मैक्सिमम स्पीड, और ये हमारा आ जाता है एवरेज स्पीड हमारी आई है 50 किलोमीटर पर आवर, मैक्सिमम स्पीड हमारी 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, यानी कितना आ गया 5/9। तो जो एवरेज स्पीड का मैक्सिमम स्पीड से रेशियो जो आया वो कितना आ गया आपका 5:9। तो ये आपका सेकंड आंसर आ जाता है। तो बहुत आसानी से आप करते हो क्वेश्चंस। थैंक यू।